मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी तैयारी तेज़ कर दी है बल्कि प्रदेश सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। रविवार को ग्वालियर में हजीरा से लेकर मलगड़ा चौराहे तक की बदहाल सड़क को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार का पुतला आग के हवाले किया। ग्वालियर से मलगड़ा रोड, ग्वालियर की सड़क बनानी होगी। कांग्रेस के द्वारा इस मुख्यमंत्री का पुतला जाहिर किया था, नहीं उन्होंने प्रयास किया था, हम लोगों ने बुझा दिया, पानी डाल के आपने देखा होगा, पानी पड़ा है, बुझा हुआ पुतला पड़ा है और प्रदर्शन था, खत्म हो गया। अति शीघ्र मल्लगढ़ा से चार सहरके का रोड जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। ये जो रोड है पूरा का पूरा रोड खोद दिया, धूल के गुमार उड़ रहे हैं। आपने देखा इसी रोड की अनियमितता की दंश, अतुल राठौर जैसे युवा पत्रकार की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, रोज मेरी माता बहनें बच्चे चोटिल हो रहे हैं और सत्ता के मद में मस्त ये सत्ता नशीन मंत्री संतरी तंत्री, ये जनता के दुख दर्द से इनको कोई लेना देना नहीं है। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी इस रोड का निर्माण कार्य किया जाए। मंत्री जी खुद निकले इस पे तब पता चलेगा उनको कि सांस लेना दुर्भर हो रहा है, घोर अनियमितता हुई है सड़क निर्माण के अंदर, रोड को ऊंचा बना दिया है, लोगों के मकान और दुकान नीचे हो गए हैं, निर्माण कार्य हो रहा है वो इतनी विलंब से हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये जो अनियमितता है ये मंत्री जी को दिखाई नहीं दे रही, और मैं पूछता हूँ कि अनियमितता नहीं थी तो मंत्री जी आपने चप्पल क्यों छोड़ी थी? हमारा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी ग्वालियर विधानसभा की जनता को समस्याओं से निजात दिलाए।